ओम शांति। आज 29 अक्टूबर के शुभदान में आप सबका स्वागत है। एक है परमात्मा से स्नेह, परमात्मा से आकर्षण, और एक है दुनियावी चीज़ों से आकर्षण। तो सारे जितने भी डिवोशन के टेक्स्ट लिखे हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा की याद में डूब जाओ, परमात्मा के स्नेह में डूब जाओ। लेकिन उसके पहले परमात्मा को जानना तो ज़रूरी है। किसी के प्यार में तभी डूब सकते हो जब उस इंसान को पहचानते हो। उसी तरीके से परम आत्मा को पहचानना, उनके आत्मिक स्वरूप को पहचानने के लिए परमात्मा को जानना जरूरी है। लेकिन दुनिया वालों ने कह दिया है कि परमात्मा तो सर्वव्यापी, हर चीज़ में आप में है, मेरे में है। तो फिर परमात्मा को ढूंढने की क्या जरूरत है जब आप में और मेरे में है? तो फिर भक्ति भी क्यों करें? अपनी ही फोटो लगा करें अपनी भक्ति कर लें, है ना? तो परमात्मा कहते हैं कि जब दुनिया में भक्ति चलती है, इसका मतलब परमात्मा से जुड़ने की इच्छा हर किसी की है। और कहा जाता है कि अगर आपका वो एक जन्म अगर आपने परमात्मा को पा लिया, तो आपने सब चीज़ पा ली अपने जीवन में। तो आज परमात्मा कहते हैं कि स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भवा। स्नेह का सागर परमात्मा है। और मेरापन कब आता है? जब हमें देह का अभिमान होता है कि सब कुछ मेरा है। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है। तो हम मैं करना शुरू करते हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरी मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे ये। और वहीं पर हम परमात्मा से दूर होना शुरू होते हैं। इस कारण से हमारा योग नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं होती परमात्मा से, क्योंकि मेरा बन जाता है। और कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आना शुरू होता है, धन दौलत का, संपत्ति का। वो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान है। तो जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती है ना? कि मैं तेरी बारी जाऊं, मैं तुझ में इतना खो जाऊं, है ना? कई लोगों ने, कई लेखकों ने, कई संतों ने, गुरुओं ने कितने कितने साखियां, गाने, गीत, भजन बनाए हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, कि तुम्हारी याद में खो जाऊं, तुम्हारे तुम्हारी वारी जाऊं मैं। तो परमात्मा कहते हैं कि स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, उन्हें किसी से घृणा नफरत नहीं होती है, किसी से कुछ बदला लेने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़े होते हैं। और जो नहीं जुड़े होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों में जलते रहते हैं, वो जलन में जलते रहते हैं, वो बदले की भावना में चलते रहते हैं, किसी को नीचे दिखाने में चलते रहते हैं। वो अपने आप को अच्छा समझते हैं और को बुरा समझाने की कोशिश करते हैं और को नीचे दिखाते हैं। और वो इन्हीं दुनियावी चीज़ों में, जबकि मेरा कुछ भी नहीं है, उसी में एक झूठे जीवन में जीते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। भक्त हो गए अलग और बच्चे हो गए अलग। जो अपने आप को भक्त समझते हैं, वो कहते हैं परमात्मा, प्रभु, है ना, भगवान, गॉड। और जो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं पिता, परम पिता, मेरा मेरा बाबा। कितना अंतर हो गया? एक को तो दूर कर दिया अपने टाइटल के हिसाब से, प्रेसिडेंट कह दिया। अगर प्रेसिडेंट ही आपका पिता हो तो आप उनको प्रेसिडेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ही आपका पिता हो तो आप उनको हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे। लेकिन हमने भक्ति में क्या किया? हमने भक्ति में उनको प्रभु, भगवान, खुदा, अल्लाह, और दूर दूर से हमने उनको नाम दे दिए। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, तो हम समझते हैं वो हमारा क्रिएटर है, रचयिता है। तो हमारा वो पिता हो गया। किस चीज़ का पिता? ज्ञान का पिता। वे परमात्मा कहते हैं, उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म हो जाता है उनका। अनेक मेरा मैला बना देता है। कैसे मैले बन जाते हैं? घृणा, नफरत, आलस्य, बेलापन भी आता है, साथ साथ में फेर भी आता है। डर भी लगता है कोई मेरे से छीन ना ले मेरी चीज़ें, है ना, कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ खो ना जाए मेरा। तो मेरा मेरा ये डर में रहते हैं। फिर हम एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता। अगर बाप ही सब कुछ है, तो फिर दुनिया की चीज़ें मेरी कुछ भी नहीं है, संबंध मेरा नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? फिर मैलापन कहाँ से आएगा? फिर क्रोध कहाँ से आएगा? फिर अपनों के लिए झगड़ा होना, अपनों के लिए रीस राग रखना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? छोटी छोटी बातों में मैपन आना, ये सब कुछ क्या होता है? रीस राग और घृणा नफरत को पैदा करता है, जो कि मैलापन परमात्मा ने कहा है। मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। क्यों? किसको बनाने से? मेरा मेरा चीज़ें, मेरी चीज़ें नहीं, मेरा बाबा, मेरा परमपिता, परमात्मा। ये है कैसे सीखना, ये आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है। आप भी आकर के इसको सीखें। ओम शांति इसके साथ।